सो इन द बोहर मॉडल ऑफ एटम व्हाट वी हैव स्टडीड, ठीक है, हमने हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रास को स्टडी किया है, हमने ये देखा है कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के रिलेटेड जैसे भी स्पीशीज हैं, जैसे हीलियम पॉजिटिव है, लिथियम टू पॉजिटिव है, ठीक है, ये सारे भी जो है वो हाइड्रोजन की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, विच आर हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो इसके लिए हमने वेव नंबर्स का एक्सप्रेशन निकाला, देन हमने लाइन स्पेक्ट्रम्स एक्सप्लेन की, लाइमन वाल्मर पास्टर सीरीज, ठीक है, एनर्जीज जो है वो सबके लिए एक्सप्लेन की है, ठीक है. अब एक और केस ले लेते हैं, दैट इज द रेडियाई, ठीक है, रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट, यानी कि ऐसी स्टेट जिनमें एनर्जी जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है, तो उन एनर्जी स्टेट के लिए क्या उनका रेडियस होगा, तो दैट इज एन स्क्वायर ए नॉट, ठीक है, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट, जहां पर n आपका एनर्जी स्टेट है, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू, वेयर ए नॉट दिस इज 52.9 पीकोमीटर, ठीक है. अब ये जो मैंने रेडियस लिखा है ना, दिस इज स्पेशली फॉर द हाइड्रोजन विच इज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन स्पेशल, ठीक है. अगर हमने किसी और के लिए निकालना है सपोज, ओके, तो उसके लिए यहां पर हम उसका एटॉमिक नंबर भी काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर मैं जेड लिखती तो जेड इज वन फॉर द हाइड्रोजन, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जेड जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया. बट अगर आप हाइड्रोजन के अलावा किसी और एटम की बात कर रहे हो तो यहाँ पर नीचे जेड आएगा, दैट विल बी डिनोटिंग इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है. तो अकेले हाइड्रोजन के लिए हमारे पास ये वैल्यू है एन स्क्वायर ए नॉट, क्योंकि बोहर मॉडल में हमने हाइड्रोजन के बारे में ही पढ़ा है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग द रेडियस फॉर द हाइड्रोजन, ठीक है. तो यानी कि ये देखो, ये तो कॉन्स्टेंट है वैल्यू, यानी कि जो आपका रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, टू द एनर्जी स्टेट, यानी कि जैसे जैसे एनर्जी स्टेट्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का जो रेडियस है, जो डिस्टेंस है, वो भी बढ़ता जाएगा, ये हमें पता ही है, ठीक है, राइट, कि जैसे जैसे ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, एन विल इंक्रीज, ठीक है, तो सिमिलरली जो उसका रेडियस है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, ओके. तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी स्टेट, तो जिस भी एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन होगा अगर वो बहुत ज्यादा दूर है न्यूक्लियस से, तो डैट मीन्स उसका रेडियस भी जो है वो उतना ज्यादा होगा, ओके. अच्छा, एक डायरेक्ट फॉर्मूला करते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एनर्ज स्टेट से ट्रांजिशन कर रहा है, ओके, इफ द इलेक्ट्रॉन इज डूइंग द ट्रांजिशन डायरेक्टली फ्रॉम सम एनर्ज स्टेट टू एन वन स्टेट, ये डायरेक्ट ट्रांजिशन हो गया, इन बिटवीन वो कहीं पे नहीं रुका, ठीक है, इन बिटवीन वो किसी एन टू एन थ्री एन फोर एनर्जी स्टेट पे नहीं रुका है, डायरेक्टली अगर वो किसी एक स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, ठीक है, डायरेक्टली अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एनएच स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि हमारे पास कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, सो नंबर ऑफ एमिशन लाइंस, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस वो एमिट करेगा, इट इज एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लगाना है, ठीक है. तो अगर आपको पूछा गया दैट हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर देयर फॉर द इलेक्ट्रॉन, दैट इज बेसिकली शोइंग द ट्रांजिशन फ्रॉम सम nth एनर्जी स्टेट टू इट्स ग्राउंड स्टेट, सो दैट इज एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, ठीक है जी. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम. अब देखो, बोहर मॉडल ऑफ एटम भी कहीं पे फेल हो गया, ठीक है, इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन की, बट स्टिल इट इज हैविंग सम लिमिटेशंस. सो लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम, क्या लिमिटेशंस हैं? सबसे पहले यू माइट बी फेमिलियर कि हम कितनी देर से हाइड्रोजन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की ही बात करी जा रहे हैं, ठीक है, बट हमारे पास बाकी एलिमेंट्स भी तो हैं, उनके केस में स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों नहीं एक्सप्लेन की गई, ठीक है. सो दिस थ्योरी इज लिमिटेड फॉर द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है. तो इसने जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किए थे
ओनली फॉर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए किया, ठीक है, बाकी एटम्स को इसने काउंट नहीं किया, राइट? हाँ जी, ठीक है बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी जो दे रहे थे, सपोज हमारे पास कोई स्पेक्ट्रा आ रहा है ऐसे करके एज अ सिंगल लाइन, ठीक है, एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के केस में अगर हमारे पास कोई स्पेक्ट्रा आ रहा है एज अ सिंगल लाइन, तो कहते जब हमने उसको हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से फोकस किया, जो एक सिंगल लाइन थी जब उसको हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से देखा गया, तो वो जो एक लाइन थी ना, दैट वाज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, उसमें बहुत सारी लाइंस थी, ठीक है, एंड बोहर थ्योरी इट डिडंट गिव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। बोहर थ्योरी ने उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि कैसे एक सिंगल लाइन जो है वो आगे फर्दर डिवाइडेड है, फर्दर जो है अदर लाइंस में स्प्लिटेड है, ठीक है, बोहर थ्योरी ने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज, देर आर टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट, ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, दैट वॉज नॉट एक्चुअली एक्सप्लेन बाय द बोहर थ्योरी। अब होते क्या है ये, कहते हैं कि जब भी हम अपने सोर्स को, दैट इज एमिटिंग द लाइट, जैसे हाइड्रोजन ही है हमारे पास, ठीक है, द सोर्स दैट इज एमिटिंग द रेडिएशन, जैसे हाइड्रोजन की ही केस ले लेते हैं, अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूँ, when the source is put in the magnetic field, ठीक है, and similarly if the source is there in the electric field, ठीक है, अगर source magnetic field में है और अगर source जो है वो electric field में है, तो वो कहते हैं कि हर एक spectral line, जो एक spectral line हमें नजर आ रही थी ना, that gets splitted into different lines, ऐसे करके डिफरेंट लाइंस में वो स्प्लिट हो रही थी, ठीक है। तो अगेन इसकी भी एक्सप्लेनेशन बोहर थ्योरी ने नहीं दी कि कैसे जब मैं इसको एक सिंगल लाइन को, ठीक है, जब अपने सोर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो वो जो एक सिंगल स्पेक्ट्रा आ रहा है वो कैसे आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सेम अगर मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रही हूँ, तो सिमिलरली जो आपका एक लाइन स्पेक्ट्रा है वो फर्दर आगे नंबर ऑफ लाइन्स में, फाइन लाइन्स में, बहुत छोटी छोटी पतली पतली लाइन्स में जो है वो डिवाइड हो रहा है। सो दैट वॉज नॉट एक्चुअली एक्सप्लेन बाय द बोहर थ्योरी, ठीक है जी। अगेन जो हमने एजम्पशन की थी फॉर द एंगुलर मोमेंटम, दैट द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि हमने ये चीज कैसे एज्यूम कर ली है, कैसे एंगुलर मोमेंटम हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। Again, this was not actually explained by the Bohr theory, and further two new phenomena, de Broglie hypothesis and Heisenberg uncertainty principle, that were actually not explained. ठीक है? Okay, and these are our next topic now. Now coming to the next topic, that is dual behavior of a matter or de Broglie hypothesis. Again. थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल पार्ट दोनों होंगे इसमें, ठीक है। तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर। और विच वी कॉल्ड एज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है। ड्यूल का मतलब टू, ठीक है, दो तरह से बिहेव कर रहा है, ओके। तो मैटर जो है वो कैसे दो तरह से बिहेव करता है, कोई भी मैटर है दैट शोज इट्स पार्टिकल एंड इट्स वेव करंट, ठीक है। आपसे सबसे पहले पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है, ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है। तो ये हाइपोथेसिस क्या है, ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स, कहते हैं जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे आप माइक्रोस्कोपिक ले लो, माइक्रोस्कोपिक मीन्स जो बहुत ज्यादा छोटे हैं, चाहे आप मैक्रोस्कोपिक ले लो जो बहुत ज्यादा बड़े हैं, ठीक है, कोई भी मूविंग मटेरियल है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दे आर गोइंग टू शो यू अ ड्यूअल नेचर, दो नेचर्स हैं उनकी,
they will be showing you the particle character also, they will be showing you the wave character. ठीक है, अब ये बिल्कुल ही ऑपोजिट थिंग कर रहे हैं हम फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो हमने ईएम वेव्स की थी ना, कि कोई भी रेडिएशंस हैं, ठीक है, विच आर एमिटिंग फ्रॉम द सोर्स, राइट, सो दैट सोर्स इट बेसिकली गेट इफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड. याद है आपको जिसमें हमने न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा डिराइव किया था, ठीक है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा कहा था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, ठीक है, वो वेव कंसेप्ट था, ठीक है, दैट वाज द वेव कंसेप्ट कि वेव्स जो हैं ऐसे एसोसिएटेड होती हैं. बट अब यहाँ पर हम छोटी चीजें माइक्रोस्कोपिक चीजों के अलावा मैक्रोस्कोपिक थिंग्स की भी बात कर रहे हैं, एंड ये सारी चीजें जो हैं वो मूव कर रही हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि चाहे आप हो, चाहे इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे बॉल है, चाहे ह्यूमन है, चाहे एनिमल है, एनीथिंग इज देयर, ठीक है, जब तक अगर वो मूव कर रहे हैं दे विल बी शोइंग यू अ ड्यूअल नेचर, दैट मीन्स पार्टिकल कैरेक्टर भी शो करेंगे, वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करेंगे और वो एज अ वेव भी बिहेव करेंगे. क्या आपने अपने आप में वेव निकलती देखी है कभी? हैव यू एवर सीन वेव्स कमिंग फ्रॉम यू? हाँ जी, यस नो, हमने तो कभी देखी नहीं हमारे में से वेव्स निकलती, राइट, तो दैट मीन्स अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये इक्वेशन किस पे लिमिटेड है, किस पे नहीं है, ठीक है, बट इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें से जो है वो वेव्स निकलेंगे, ठीक है, राइट. सो यहाँ पर पार्टिकल और वेव, अब ये जो वेव्स हैं जो एक मैटर में से निकल रही हैं, मैटर मीन्स वी ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं, तो इन वेव्स को हम कौन सी वेव्स कहते हैं? मैटर वेव्स कहते हैं, ओके. The waves that are coming from any moving matter, that we called as matter waves. ठीक है जी, अब डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ते हैं. What is डी ब्रॉगली इक्वेशन? So डी ब्रॉगली इक्वेशन इज बेसिकली लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम डी. दिस इज योर डी ब्रॉगली इक्वेशन. अब हमने इसको डिराइव करना है, इक्वेशन कैसे आए, ठीक है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जिसमें हमने क्वांटाइजेशन की बात की थी कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, इज इक्वल टू एच न्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर हम न्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं एज सी बाय लैम्डा, ठीक है, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट and lambda is the wavelength, h is the Planck's constant, 6.626 × 10⁻³⁴. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, अगर आपने पढ़ा हो, दैट मींस E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, पढ़ा हुआ है आपने, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मास जो हम कहते हैं, ठीक है, तो अगर ये दोनों साइड सेम है डैट मीन्स ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है, अगर दोनों तरफ ई है डैट मीन्स दे ऑल्सो शुड बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, तो हम यहाँ से दोनों को रिलेट कर लेते हैं, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है जी. अब हमने यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है? लैम्डा, ठीक है, तो एच सी इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय एम सी स्क्वायर, तो एक सी के साथ ये सी कैंसिल हो गया, ठीक है, सो कैन वी राइट दिस एच ओवर एम सी. हाँ जी, ठीक है, यहां पर अगर मैं कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कर रही हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ईएम वेव्स की बात कर रहे हैं, तो वो जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर सी लिखेंगे. अगर मैं कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, ठीक है, इफ आई एम टेकिंग एनी मूविंग मटीरियल, कोई मैटर ले रहे हैं जो मूव कर रहा है किसी वी वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हम C की जगह क्या लिख देंगे? V लिख देंगे, ठीक है, ओके,
तो यहाँ पर हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, EM waves की बात कर रहे हैं, अगर ज्यादा छोटी हैं तो उनकी velocity जो होगी that will be traveling with the speed of light, और अगर हम कोई भी moving object ले रहे हैं ठीक है तो वो अपनी कोई भी v velocity से travel करेगा, तो यहाँ से हमने c को replace कर दिया by v, ठीक है जी। तो lambda is equal to h upon mv, ये हो जाती है wavelength for the matter wave, ठीक है, मैटर वेव्स की ये वेवलेंथ है अगर हम कोई भी मैटर वेव्स की बात कर रहे हैं। अब आपने पढ़ा होगा m into v, you have studied in the 10th class m into v, it represents the momentum, पढ़ा ना आपने, हाँ जी, m into v it represents the momentum of the moving particle, momentum कब शो करते हैं हम, momentum is shown for the particle nature, कि हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास है कुछ m और वो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा, ठीक है जी। तो दैट मींस लैम्डा इज शोइंग विच कैरेक्टर, द वेव कैरेक्टर, m into v इज शोइंग द पार्टिकल कैरेक्टर, कि जहां पर एक पार्टिकल है, इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसका कोई अपना मास है, उसकी कोई अपनी वेलोसिटी है, ठीक है जी। तो यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं फ्रॉम दिस रिलेशन दैट द लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर पी आई एम सेइंग इज द मोमेंटम, पी यहाँ पे हम मोमेंटम कह रहे हैं, तो कैन वी से दैट द वेव नेचर इज इनवर्सली रिलेटेड टू द पार्टिकल नेचर, जितना ज्यादा वेव कैरेक्टर होगा उतना कम उसका पार्टिकल कैरेक्टर शो होगा, जैसे हम माइक्रोस्कोपिक चीजों की बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूक्लियस हो गए, आयंस हो गए, ठीक है, उनका वेव कैरेक्टर ज्यादा शो होता है, इसीलिए उनका पार्टिकल कैरेक्टर जो है वो कम शो होता है, ठीक है, वो एज अ पार्टिकल बिहेव कम करते हैं अगर उनका वेव कैरेक्टर ज्यादा होगा, पार्टिकल हम वी आर एक्चुअली एक्टिंग एज द पार्टिकल जो हम मैक्रोस्कोपिक है, हम मैक्रोस्कोपिक की कैटेगरी में आते हैं जहां पर हमारा कुछ मास है एंड वी आर ट्रैवलिंग विद सम वेलोसिटी, वी आर मूविंग विद सम वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाता है कि हमारा जो पार्टिकल कैरेक्टर है वो ज्यादा है, ओके। तो माइक्रोस्कोपिक चीजें जो हैं, माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, दे शो द वेव नेचर एंड द मैक्रोस्कोपिक थिंग्स दे शो द पार्टिकल नेचर, हमारा जो पार्टिकल नेचर है वो ज्यादा शो होता है, इसीलिए हमारा वेव नेचर जो है वो नहीं शो होता, हमें नहीं दिखती हमारे में से रेडिएशन कहाँ पर निकल रही, ठीक है, नहीं दिखती है ना, वी कांट सी द रेडिएशन कमिंग, ठीक है। तो क्यों नहीं, क्योंकि हमारा पार्टिकल कैरेक्टर जो है वो ज्यादा है, वो उसको ओवर पावर कर रहा है वेव कैरेक्टर को, ओके। बट फॉर द माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, उनके केस में क्योंकि उनका पार्टिकल कैरेक्टर कम हो जाता है और उनका वेव कैरेक्टर जो है वो ज्यादा शो होता है, इसीलिए वो ज्यादा एज वेव नेचर शो करते हैं, वेव्स की फॉर्म में जो रेडिएशन है वो निकलते। सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम दिस दैट एनी मूविंग मटेरियल ऑब्जेक्ट इट इज हैविंग वेव कैरेक्टर ऑल्सो एंड इट इज हैविंग पार्टिकल कैरेक्टर ऑल्सो, बट वो डिपेंड करेगा कि उसका कैरेक्टर कौन सा डोमिनेट करे, अगर वेव कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका पार्टिकल नेचर कम शो होगा, अगर पार्टिकल नेचर ज्यादा है तो उसका वेव कैरेक्टर कम शो हो, एंड दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मटेरियल वेव्स और मैटर वेव्स, ठीक है। अब इसके बाद एक और एक्सप्रेशन हमने करना है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अगेन वो भी हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, ठीक है जी। सो काइनेटिक एनर्जी एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से 2m के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। अगर मैं इन दोनों साइड पे 2m के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देखिए 2m, ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया, 2me is equal to m into m is m square, this is v square, ठीक है जी।
और अगर हम ये स्क्वायर चेंज कर दे तो एम वी किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ 2m। ठीक है, हमने किसके बीच में रिलेशन निकालना है, वेवलेंथ के बीच में। ठीक है, हमने वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो लिख लेते हैं। अभी हमने जो अपना एक्सप्रेशन डिराइव किया है वेवलेंथ के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है बेटा, एम वी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2m। ठीक है, तो ये रिलेशन है हमने याद रखा। ओके, सो दिस इज द रिलेशन वी हैव टू लर्न। ओके, अब जो मैंने बात कही है दैट व्हेन एवर वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टिकल, ठीक है, तो उसका वेव करेक्टर बहुत कम होगा अगर आप कोई वेव ले रहे हो। ठीक है, द थिंग दैट इज बेसिकली एमिटिंग द वेव्स, ठीक है, तो उसका पार्टिकल करेक्टर बहुत कम होगा। ओके, सो ये चीज हमें अब एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। तो वी विल बी फाइंडिंग द पार्टिकल एंड द वेव करेक्टर फॉर सम ऑफ द थिंग्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड द बॉल। ठीक है, तो सबसे पहला केस लेते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन, जो कि माइक्रोस्कोपिक है। अब माइक्रोस्कोपिक के लिए हम देख लेते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, लैम्डा हमने कैलकुलेट करना है, एच की वैल्यू पुट कर लेते हैं 6.626 इनटू 10 टू माइनस 34। ठीक है जी, दैट इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, अब हमें इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, दैट इज 9.1 इनटू 10 टू माइनस 31 केजी, ये हमने निकाला हुआ था। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने किया है। ओके, सपोज अब दोनों एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और एक बॉल ले लेते हैं, दोनों जो है वो वेलोसिटी किससे ट्रैवल कर रहे हैं, 10^5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों की वेलोसिटीज हमने सेम कर दी। ठीक है, तो 10^5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अब मैं एक दूसरा केस लेती हूँ फॉर द बॉल, इसकी वैल्यूज हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, पहले दूसरे के लिए कर लेते हैं एम इंटू वी। ठीक है, अगेन एच की वैल्यू सेम है, ओवर मास ले लेते हैं बॉल का 0.1 केजी इनटू वेलोसिटी, तो हमने सेम लिखी हुई है दोनों की 10^5। ठीक है, सो व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज, लैम्डा फॉर द इलेक्ट्रॉन इज कमिंग आउट टू बी 7.27 इनटू 10^-9 मीटर, ये वैल्यू आ रही है फॉर द इलेक्ट्रॉन। अब अगर सेम मैं बॉल के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट कर रही हूँ, दैट इज 6.626 इनटू 10^-38 मीटर। देखिए, दैट मींस द वेवलेंथ फॉर द बॉल इज वेरी 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 लो, बहुत कम है जिसको हम नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, बट यही अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं फॉर द इलेक्ट्रॉन, दैट इज बेसिकली फॉलिंग इन द रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रेंज में जा रहा है, 10^-9 पढ़ा था ना हमने, जो मैंने आपको बताए थे कि वेवलेंथ हम कौन कौन से यूनिट्स में मेजर करते हैं। ठीक है, तो 10^-9 तो हम मेजर कर सकते हैं, 10^-12 तक भी हम मेजर कर सकते हैं इजिली। ठीक है, बट 10^-38 इज वेरी 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 स्मॉल, दैट कांट बी मेजर। ठीक है, तो यहां से क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मोस्टली अपना कौन सा करेक्टर शो कर रहे हैं, वेव करेक्टर शो कर रहे हैं। ठीक है, वेन एवर दे आर मूविंग दे आर एग्जिबिटिंग दे आर वेव करेक्टर मूव। ओके, बट वेन अ बॉल इज मूविंग इट इज एग्जिबिटिंग इट्स पार्टिकल करेक्टर मोर एज कम्पेयर टू द वेव करेक्टर। तो यहाँ पर अगर एक बॉल मूव कर रही है तो वो अपना पार्टिकल करेक्टर ज्यादा शो करेगी, बट जो उसका वेव करेक्टर होगा दैट इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, बहुत कम होगा। हाँ जी, क्लियर बेटा, क्लियर हो गया। तो हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द वेव करेक्टर एंड द पार्टिकल करेक्टर ऑफ द थिंग्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए और जो हमारे मैक्रोस्कोपिक चीजें हैं, हम कैसे शो करते हैं कि उनका वेव करेक्टर है या उनका पार्टिकल करेक्टर है। एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है, तो मैं बस आपको नाम बता देती हूँ। तो बाय द टू एक्सपेरिमेंट्स, एक तो जब आपने रदरफोर्ड का मॉडल किया था, आपको याद हो कि जो हम अल्फा रेज लेते हैं
वो स्क्रीन पे स्ट्राइक करवाते हैं, याद है आपको जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है उसके ऊपर हम जो अल्फा रेज हैं ठीक है उनको स्ट्राइक करवाते हैं। तो जब भी एक चार्ज पार्टिकल जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को स्ट्राइक करता है ठीक है, जब भी एक चार्ज पार्टिकल जो है ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे स्ट्राइक करता है तो एक ब्राइट सा स्पॉट जो है वो प्रोड्यूस होता है, एक ब्राइट स्पॉट इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो है वो निकलता है, जिसको हम सिंटिलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिंटिलेशन। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के साथ स्ट्राइक करवाया तो अगेन वी ऑब्जर्व अ वेरी ब्राइट स्पॉट कमिंग देयर, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आ रहा था, ये नहीं एक पर ही, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आ रहा ठीक है। और ये कब आ रहा था? जब इलेक्ट्रॉन ने यहां पर स्ट्राइक किया तो यहां पर वो स्पॉट आया, जब इलेक्ट्रॉन ने यहां पर स्ट्राइक किया तब वो स्पॉट आया ठीक है। तो विच शोज इंडिविजुअलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि एक पॉइंट पे वो एक जगह पर ही स्ट्राइक कर रहा है ठीक है, एक पॉइंट पे ये इलेक्ट्रॉन जो है एक पॉइंट पे एक जगह पर ही स्ट्राइक कर रहा है। तो दिस कंफर्म्स द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है। इसने क्या कंफर्म किया? दिस कंफर्म्स द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ठीक है। और दूसरा वेव नेचर के लिए, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर के लिए जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है ठीक है, दो है इसमें, एक थॉमसन एक्सपेरिमेंट है एंड द सेकेंड इज डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट जो है वो वेव नेचर के लिए, ओके, दीज बोथ आर फॉर द वेव नेचर। अब वेव नेचर में क्या हुआ था? दे स्टडीड द पैटर्न फॉर द एक्सरेज, उन्होंने एक्सरेज के लिए ठीक है उसका एक्सरेज का जो स्पेक्ट्रा था उन्होंने वो ऑब्जर्व किया हुआ था पहले ठीक है। तो ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क ऐसे रिंग्स आ रही थी हमारे पास फॉर द एक्सरेज, जब एक्सरेज का स्पेक्ट्रा जो था वो स्टडी हुआ ठीक है। तो ये डायफ्रेक्शन रिंग्स होती है, यू विल बी स्टडिंग देम इन द फिजिक्स। तो डायफ्रेक्शन रिंग्स होती हैं, ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स आते हैं, जैसे ये ब्राइट हो गई उसके बाद अगली डार्क होगी, फिर ब्राइट है फिर डार्क है फिर ब्राइट है फिर डार्क है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए ठीक है। तो एक्सरेज के लिए ये पहले ही मिल रही थी ठीक है, एक्सरेज को हमने पहले ही ईएम वेव्स की कैटेगरी में किया हुआ ठीक है। एक्सरेज दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ठीक है। तो सेम जो था दे गेट द सेम डायफ्रेक्शन रिंग्स फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। तो यहाँ से ये कंफर्म होता है कि इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल करेक्टर भी है और इलेक्ट्रॉन का वेव करेक्टर भी एसोसिएट है ठीक है जी।